DDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. नागपुर के सेंट्रल जेल में सघन चेकिंग के दौरान कैदियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 8 मोबाइल की बैटरियां और गांजा मिलने से सेंट्रल जेल में खलबली मच गई है। नागपुर के सेंट्रल जेल में एक बार फिर गांजा, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैटरी मिलने से जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जेल प्रशासन ने मामले की शिकायत नागपुर के दंतोली थाने में दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि जिन कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उन्हें जांच के लिए कब्जे में लेने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी लगेगी। नागपुर के धंतोली पुलिस ने इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जेल के कैदी मोहम्मद सानू उर्फ मुश्ताक, जमील खान पठान और अमित प्रमोद सोमकुवर के खिलाफ मोबाइल और गांजा मिलने के प्रकरण में मामला दर्ज किया गया है। जेल के रक्षक अमोल येवतकर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक जेल रक्षक को कैदी के हाथ में लाल रंग की थैली दिखाई दी। जेल के रक्षक की आवाज लगाते ही कैदी ने थैली फेंक दी। इस बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो उसे थैली एक अन्य कैदी द्वारा देने की बात कही। इसके बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में टावर पर तैनात एक कर्मचारी को जेल प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दोनों कैदी बैरक में अंडर ट्रायल कैदी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने जेल के टावर के करीब बने जेल अस्पताल के पास बाहर से थैली फेंकी थी। जेल रक्षक ने जब थैली की जांच की तो उस थैली में करीब 400 ग्राम गांजे की 5 पुड़िया, 4 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड और 8 बैटरी मिलने की बात सामने आई है। दिनांक 26 तारखेला सेंट्रल जेल या ठिकाणावरून आम्हाला एक लेखी माहिती प्राप्त झालेली होती। साधारणतः सायंकाळी 1:30 दरम्यान की सेंट्रल जेल या ठिकाणी आतल्या परिसरामध्ये रुग्णालय परिसर आहे त्या ठिकाणी एक संशयास्पद वस्तू असलेली एक बॅग मिळालेली आहे। कायदेशीर कारवाई करता या असं सांगण्यात आलेलं होतं। त्यावरून आम्ही संपूर्ण टीमसह त्या ठिकाणी गेलो। त्या ठिकाणी गेल्यानंतर घटनेची शहानिशा केली। शहानिशा केल्यानंतर ज्या संशयित वस्तूची जी बॅग होती त्या बॅगची पंचासमक्ष पूर्ण झडती वगैरे घेतली आणि पंचनामा कारवाई केली असता त्या एक लाल रंगाच्या बॅगच्या आतमध्ये काही 4-5 जे पुडके होते जे सेलोटेपने रॅप केलेले होते त्याच्या आतमध्ये एक 3-4 मोबाईल, 2 सॅमसंग कंपनीचे, 2 नोकिया कंपनीचे बॅटरीसह होते, 2 छोट्या पॉलिथिनमध्ये 2 सिम कार्ड होते, 3 पुडक्यांमध्ये गांजा होता जो एकत्रित 346 ग्राम झालेला आहे, 1 चार्जर आणि 1 शर्ट, असा एकूण 4 मोबाईल, 10 बॅटऱ्या, 2 सिम कार्ड, 1 शर्ट आणि 346 ग्रामचा त्या ठिकाणी मुद्देमाल मिळून आला। मुद्देमाल मिळाल्यानंतर पुढील त्या ठिकाणचे जे कर्मचारी आहेत, संबंधित कर्मचारी जे तिथे कर्तव्यावर हजर होते त्यांच्या तक्रारीवरून तक्रार घेऊन गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे NDPS ॲक्ट आणि प्रिजनल ॲक्टप्रमाणे। सदर गुन्हा दाखलच्या प्रोसेसमध्ये तपासादरम्यान आम्हाला असं निष्पन्न झालेलं आहे की सदरच्या ह्या ज्या वस्तू होत्या त्या रुग्णालय परिसरामध्ये असलेले जे शौचालय आहे त्या शौचालयाच्या ठिकाणी एक शिक्षाबंदी कैदी याच्या ताब्यातून मिळालेला होता। तो शिक्षाबंदी कैदी जो आहे तो मोहम्मद सानू पठाण आहे जो 2016 मोक्याच्या केसमध्ये शिक्षा भोगत आहे आणि त्याने ते त्याचं कृत्य हे त्याचा दुसरा साथीदार जो आहे अमित सोमकुवर जो अजनी येथील 302 केसमध्ये शिक्षा भोगत आहे 2013 मध्यवर्ती कारागृह परिसरात आहे त्या दोघांनी मिळून त्या वस्तू ताब्यात घेतलेल्या होत्या आणि त्या शौचालयामध्ये लपवून ठेवलेल्या होत्या। ते तिथे उपस्थित असणारा दुसरा जो शिक्षाबंदी कैदी आहे त्याच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तिथे कर्तव्यावर असलेल्या कारागृह रक्षकाच्या निदर्शनास आणून दिलं। कारागृह रक्षकाने ते जेल प्रशासनास कळवलेलं आहे। जेल प्रशासनाने कळवल्यावरून धंतोली पोलिसांनी ती पुढील कारवाई केलेली आहे। गुन्हा दाखल केलेला आहे, गुन्ह्याचा तपास करत आहोत। आपको बता दें कि इससे पहले भी जेल में कैदियों द्वारा मादक पदार्थ का सेवन किए जाने एवं फोन इस्तेमाल करने की घटना सामने आई थी। फिर एक बार इसी तरह के मामले के उजागर होने से जेल प्रशासन की लापरवाही एवं कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या इस तरह के मामलों पर विराम लगता है या फिर इस मामले में किसी बड़ी साजिश का खुलासा होना अभी बाकी है। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट। Enroll now for more details call